जिंदगी एक गीत है, इसे होठों पे सजा ले, गम हो या खुशी हो प्यार से गुनगुना ले। जिंदगी एक गीत है, इसे होठों पे सजा ले, गम हो या खुशी हो प्यार से गुनगुना। फुर्सत मिले तो मेरी परेशानी नजर आएगी ना तुम्हें मिस्टर विक्रम। सपनों की दुनिया से हटकर हकीकत की दुनिया में जरा झांक कर तो देखो। तुम्हारे जैसे सैकड़ों गायक दर्द की ठोकरें खा रहे हैं और उन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है। बहू, सुबह सुबह शुभ बोल अशुभ मत बोल। आप चुप रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। कल्पना चीखो मत, चीखना मुझे भी आता है। कल्पना, बात को हद से मत बढ़ाओ वरना बहुत बुरा होगा। बुरा होगा? अभी कौन सा अच्छा हो रहा है जो बुरा होगा? मैं उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन तुमसे शादी की थी मैंने। इस शादी के लिए मैंने तुम्हारे आगे हाथ पांव नहीं जोड़े थे, तुम्हारी अपनी रजामंदी भी शामिल थी इसमें। ठीक कहते हो तुम, तभी तो भुगत रही हूँ। कभी तुम्हारी गुलामी, कभी तुम्हारी माँ की गुलामी और कभी तुम्हारी बेटी की गुलामी करनी पड़ती है। अगर तुम अपने कर्तव्य को गुलामी का नाम देती हो तो तुम महान हो। देखो विक्रम, मुझे महान बनने का कोई शौक नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन बहू। लेकिन देखिन कुछ नहीं माँ जी, मेरा फैसला अटल है। मेरी थोड़ा सब्र करो, भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा। मैंने सब्र करना जिंदगी में कभी सीखा ही नहीं। मेरे डैडी ने मुझे। डैडी 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 मत लो अपने उस घमंडी बाप का नाम मेरे सामने। और अगर तुम्हें अपने उस बाप पर इतना ही घमंड था तो मेरे पास क्यों आई थी? इश्क के भूत में अंधी हो गई थी, पागल हो गई थी, तभी तो तुम जैसे कंगाल से शादी कर ली मैंने। अगर तुम्हें इस कंगाल के साथ शादी करने का इतना ही दुख है तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम जा सकती हो। विक्रम बेटी, ये तू क्या कह रहा है? पति पत्नी के झगड़े किस घर में नहीं होते? बस बस, आप भी ज्यादा नाटक मत दिखाइए वरना मैं। देखो कल्पना, इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ कर बैठूं, तुम यहाँ से चली जाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ और हमेशा के लिए जा रही हूँ।
चलो यश। नहीं बेटी नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मुझे यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। माँ जी हट जाइए मेरे रास्ते से। अरे सुन मेरी बात, सुन ना जा। जाने दो माँ, जाने दो इसे। कल जब इसका घमंड शुरू हो जाएगा तो ये खुद ही वापस लौट आएगी। ये तुम्हारा बहम है विक्रम राय, बहम। रोक ले इसे बेटा, रोक ले। जाने दो इसे माँ, जाने दो। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश कर। औरत का कदम एक बार घर से बाहर निकल जाता है तो अनर्थ हो जाता है, अनर्थ। मैं समझता हूँ माँ, लेकिन अब इसके यहाँ रहने में भी कोई अर्थ नहीं रह गया है। नहीं 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 डैडी, पिछले कल्पना तुम आज 8 साल बाद तुम्हें अपने डैडी की याद कैसे आ गई? डैडी आज मैं अपने कहे पे बहुत शर्मिंदा हूँ। काश मैंने आपकी बात 8 साल पहले मान ली होती तो मुझे आज ये दिन न देखने पड़ता। कोई बात नहीं, ये बताओ कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? नहीं डैडी, मैंने विक्रम का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। कहीं ये तुम्हारा जज्बाती फैसला तो नहीं? डैडी इस बार मैं जज्बात से नहीं बल्कि बहुत सोच समझ कर वापस आई हूँ। मैं ये कैसे यकीन कर लूँ? मुझ पे भरोसा रखिए डैडी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। वेरी गुड। एक काम करो, तुम अभी अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाद में हम इत्मीनान से बैठ के बातें करेंगे। जी आओ बेटा। विक्रम राय, आज तक तूने मुझे खून के आंसू रुलाए हैं, अब मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा। क्या बात है बेटा, ये कौन है? मां कल्पना मुझसे तलाक चाहती है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ माँ, ये देखो उसने कोर्ट का नोटिस भिजवाया। ये अच्छा नहीं हो बेटे, ये अच्छा नहीं हुआ। हाँ माँ, लेकिन वो कोर्ट तक पहुंच जाएगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे तो ये कैलाशनाथ की चाल लगती है। तुम फिक्र मत करो माँ, जो होना है वो होकर ही रहेगा। लेकिन मेरे यश का क्या होगा? उसके बारे में भी मैंने सोच लिया है। तुम तलाक नामे पर साइन करते हो या नहीं? तुम यश को बुलाते हो या नहीं? ठीक है, अगर तुम मुझे तलाक नहीं देते तो ना सही, मैं कोर्ट से तलाक ले लूंगी। तुम भूल रही हो कल्पना की, कोर्ट से तलाक लेना इतना आसान नहीं जितना तुमने समझ रखा है। और अगर मैं चाहूँ तो इस मामले को अदालत में 2 साल से लेकर 10 साल तक खींच सकता हूँ, और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी, समझी? अब तुम लोग किस सोच में पड़ गए? जल्दी से आपस में तय करके बताओ तो क्या करना है। मैं तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ने के लिए मुंह मांगी दौलत देने के लिए तैयार हूँ। थूकता हूँ मैं तुम पर और तुम्हारी दौलत पर, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा। क्या तुम अपने बेटे को लेने के बाद कल्पना को तलाक दे दोगे? मैं आप लोगों के लिए कोर्ट का ये एग्रीमेंट लाया हूँ जिसमें लिखा है कि मैं कल्पना अपने पूरे होशो हवास में अपने बेटे यश की सारी जिम्मेदारियां उसके पिता विक्रम राय को सौंपती हूँ। आज के बाद मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। डैडी, डैडी। माय सन, कैसा है तू? डैडी मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। अब हम अपने घर चलें या? चलो डैडी हम अपने घर चलते हैं। यश ठीक है बेटे, साइन दीज पेपर्स एंड सेंड देम टू मी। यश क्या बात है यश बेटे, नींद नहीं आ रही? हाँ दादी, डैडी कब आएंगे? तेरा डैडी तेरे लिए ढेर सारे पैसे कमाना चाहता है इसलिए देर से घर आता है। अगर पैसा ही मेरे डैडी को मुझसे दूर कर रहा है तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, डैडी चाहिए, डैडी। माँ तुम अभी तक सोई नहीं? बेटा मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। माँ मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करो, मुझे बहुत ही कामयाब इंसान बनना है।
बेटा, कामयाब इंसान बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं दौलत की चमक धमक में तू हमसे इतना दूर ना निकल जाए कि मैं तुम्हें तलाश भी ना कर सकूं। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, तभी तो तूने 10 दिन से यश की तरफ नजर भर के भी नहीं देखा। बस माँ बस, ऐसी बातें मत कर। अगर आज मैं यश की मोहब्बत के जाल में उलझ गया तो कुछ न कर सकूंगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यश को अपने से बहुत दूर भेज दूंगा। क्या? हाँ माँ, मैंने यश को बोर्डिंग भेजने का फैसला कर लिया है। नहीं विक्रम, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। यश यही रहेगा हमारे पास। माँ समझने की कोशिश करो, बच्चों की जिंदगी के फैसले जज्बात से नहीं अकल से किए जाते हैं। मैं फैसला कर चुका हूँ, कल सुबह वो बोर्डिंग चला जाएगा। बस विक्रम, काका। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? मेरी कोई चिट्ठी आई है? बेटा जब तेरा कोई खत आएगा मैं तुझ तक पहुंचा दूंगा। पिछले 14 साल से तू मुझसे एक ही सवाल करता है, मेरा कोई खत है? और मेरा जवाब होता है नहीं। अबे ओ बुड्ढे, कह दे से कि खत उसी के आते हैं जिसका दुनिया में कोई होता है। अबे ओए घूरता क्या है, बोल दे इसको, बोल दे। यार देख तो सही, साला कैसा फड़फड़ा रहा है। अबे ओए जा, चादर तान कर सो जा, सपने में तुझे खत ही खत नजर आएंगे। हाँ। अबे ओ साले, चल पीछे हट साले का। भाग गया साला। बेटा जा, पहले जाके थोड़ी मरम पट्टी करा, क्या फिर आके और मार खाना। जा कर जा।
जा बोलो जाता कि जाता कहीं ठहर ये ना साले समझते क्या है अपने आपको इतना मारेगा उसको बस बोलो ना बस गोपी टोको मोको दुश्मन के काले मुंह को चूल्हे में झोंको क्यों कैसी रही लगता है अच्छी नहीं रही अरे हाँ यार कल अपना रिजल्ट है पता है कि नहीं हाँ चल हॉस्टल में चलते अरे छोड़ ना यार मेरी बात सुनिए आप लोग अरे कहाँ जा रहे प्लीज हटिए इमरजेंसी है अरे भाई साहब मैं आपसे पैर बनता हूँ प्लीज बहन जी प्लीज हट जाइए प्लीज भाइयों दोस्तों भाइयों और बहनों इस बेचारे का अंतिम समय आ गया है इसलिए इसकी आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले अपने पास या फेल होने का अंजाम खुद ही देख ले क्या सोच रहे हैं आप लोग क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं आप लोगों को थैंक यू क्या इस मासूम कली को देखकर आपको दया नहीं आती नहीं हम सभी को तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है ओह थैंक यू अंकल जरा बाजू बैठ जाइए प्लीज थैंक यू एक्सक्यूज मी मैडम ये लीजिए आराम से देखिए बेचारी बहुत बीमार है ना थोड़ा वक्त लगता है देखने में जल्दी जल्दी यश फर्स्ट आ गया है ये क्या अबे मोटे गंडे तू कहाँ जा रहा है मैं जरा अभी अभी आता हूँ अरे क्या कर रहे हैं आप साथियों अब तुम ही बताओ क्या किया जाए इसके साथ अब क्या होगा होगा क्या गोपी के बच्चे की पिटाई हो रही होगी पिटाई के बाद उसके कपड़े फट रहे होंगे कपड़े फटने के बाद क्या होगा चूड़ी खनका के कपड़े फटने के बाद उसके गालों पे गुलाब जामुन बन रहे होंगे गुलाब जामुन के बाद 100 की स्पीड से भाग रहा होगा और पूरा कॉलेज उसके पीछे होगा फिर क्या बालक गोपी हमारी शरण में आएगा फिर मेरी टांग गोपी आके गिरता है और फूट फूट के रोने लगता है एंजल की बच्ची आज जो कुछ भी हुआ सब तेरी वजह से हुआ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गोपी के बच्चे कल तूने मुझे फंसाया था आज मैंने तुझे फंसा दिया हिसाब बराबर क्या समझे नहीं समझे अच्छा गुस्सा छोड़ और चल हमारे साथ कहाँ कम ऑन यार मेरी किस्मत ही खराब है जहाँ जाता हूँ मार ही खाता हूँ ठीक कहते हो गोपी तुम्हारी किस्मत खराब ही नहीं बल्कि बहुत खराब है इसलिए तुम्हें मर जाना चाहिए क्या एंजल की एंजल की बच्ची मुझे मरना वरना अच्छा नहीं लगता और देखो मेरी किस्मत खराब नहीं बल्कि बहुत अच्छी है क्यों यश मैंने ठीक कहा ना तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो अरे वाह अजीब आदमी है सीधे मुंह बात ही नहीं करता देखो तो जब देखो तेवर सातवें आसमान पे रहते हैं एंजल हाँ हाँ जानती हूँ मेरी बात तो तुम्हें अच्छी लगेगी नहीं लेकिन मिस्टर सीरियस फेस हम तुम्हें यहाँ डिस्टर्ब करने नहीं आए बल्कि खुशखबरी सुनाने आए थे खुशखबरी जी हाँ खुशखबरी कहो क्या बात है जानते हो यश तुम फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ हो ना इसमें कौन सी नई बात है ये तो हर साल होता है और कुछ लो कर दिया ना सत्यानाश यश हम तुम्हारे पास कितनी उम्मीदें लेकर आए थे और तुम हो के हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कुछ पानी वानी नहीं फिरा अब ये बॉक्सिंग वॉक्सिंग छोड़ो और चलो हमारे साथ कहाँ आज कॉलेज का आखिरी दिन है इसलिए हम सब मिलकर नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे
अरे लो, यहाँ तो पूरी फिल्मी दुनिया पहले से ही विराजमान। क्यों बे, कहाँ है तेरा वो मदारी जिसकी बीन पर तुम लोग नाचते हो? बॉस यश लो आ गया माइकल जैक्सन की औलाद। आओ यश आओ। मेरा ये यार तेरे गाने की बड़ी तारीफ कर रहा था। सिर्फ यही तारीफ कर रहा था या तुम भी? मैं सिर्फ हसीन लड़कियों की तारीफ करता हूँ। ये गाने बजाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। बाय द वे, अब तुम क्या करोगे? क्या करोगे से तुम्हारा मतलब? मतलब हमारी पढ़ाई अब खत्म हो चुकी है, हम सब कल अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन तुम कहाँ जाओगे? यश भी अपने घर जाएगा और कहाँ। अच्छा, इसका कोई घर भी है? माफ करना यार, मैंने तुम्हें आज तक घर जाते हुए देखा ही नहीं। ए सच सच बता ना, तेरा कोई इस दुनिया में है भी या नहीं? ए राजन, अपनी जुबान को बंद कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि यश को गुस्सा आ जाए और तुम्हें अपनी मरम पट्टी करवाने का समय भी ना मिले। छोड़ छोड़, चले चल 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 चल। अरे याद है इसकी एक दादी भी थी, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो इसकी असली दादी थी? हो सकता है ये उस बुढ़िया को नकली दादी बनाकर लाता हो। ए, कहाँ है तेरी वो नकली दादी? अबे बोल बे, कहाँ है तेरी वो दादी? हंस क्यों रहा है?
अरे दादी कुछ ऐसी है। देख तू हंसना बंद करो, बता बात क्या है। वो क्या है एंजल? मुझे मारेगा। मारेगा कौन? बहुत बहुत मारेगा। गोपी मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। कभी तुम हंसते हो तो कभी कहते हो बहुत मारेगा। बच्चे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना वो मुझे मारेगा। गोपी क्या बात है, तू मुझे देखकर हंस क्यों रहा है? वो राजन भाई बात है। बताओ बात क्या है? इसलिए मैं नहीं बता रहा कि तुम मुझे बहुत मारोगे। अबे साले नहीं मारूंगा, तू बता बात क्या है। अच्छा ठीक है, देखो देखो अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। मुझे गुस्सा नहीं आएगा मेरे बाप, तू बता बात क्या है। अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। सुनो राजन भाई, वो बात यह है कि तुम मुझे मारोगे। नहीं मारूंगा उल्लू के पट्टे, बता नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा तुझे, मैं नहीं मारूंगा। राजन मैं गोपी को समझाती हूँ। गोपी राजन को बता दो ना बात क्या है। बता दो? अच्छा देखो एंजल कहती है इसलिए बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझे एंजल की गारंटी देनी पड़ेगी कि तुम मुझे नहीं मारोगे। अरे चल मेरे बाप, मैं एंजल को गारंटी देता हूँ। अब बता बात क्या है, फटाफट बता। तो ठीक है राजन भाई, माय गॉड। अब चल बोल। राजन भाई आपका लेटर। यूं क्या कर रहा है? राजन भाई आपका लेटर बॉक्स। यू छक्के की तरह क्या कर रहा है, सीधा बोल बात क्या है। राजन भाई आपका लेटर बॉक्स खुला है। क्या बात है एंजल? क्या हुआ? वो क्या की? मैं नहीं बता पाऊंगी। तू बता क्या हुआ? यस, अपना वो राजा है ना, उसका लेटर बॉक्स खुला था। लेटर बॉक्स? लेटर बॉक्स मैंने बंद करवा दिया। अच्छा किया। चलो क्या करना है अभी? चलो अब हम चलते हैं एंजल, पैकिंग भी बाकी है। चलो चलो, अरे देख क्या है, चलना। चलो तू एक दिन इतनी मार खाएगा ना राजन से। अरे तू है तो किस बात की चिंता है यार। यश काका। बेटा आज तुम अपने खत के बारे में मुझसे पूछेगा नहीं? काका यतीमों और लावारिसों के खत नहीं आया करते। नहीं बेटा, मायूसी की बातें नहीं करते। कहते हैं कभी के दिन बड़े कभी की रातें। देख मैं आज तेरे लिए खत लाया हूं। हाँ? क्या? बेटा ये वही खत है ना जिसका तुझे पिछले 14 सालों से इंतजार था, वही है ना? जी हाँ। बेटा यश, आज 14 साल के बाद मेरा खत पढ़कर तुम्हें ताज्जुब जरूर होगा। मैं यादों के पर्दे पर तुम्हें खेलते कूदते और बड़ा होते देखती रही, लेकिन हालात ने मुझे कभी तुमसे मिलने नहीं दिया। यश मुझे मालूम है तुम पढ़ाई खत्म करके सीधा बंबई आ रहे हो, यहाँ पहुंचो तुम मुझसे जरूर मिलना, तुम्हारी माँ कल्पना। क्या हुआ यश? फिर क्या सोचा तूने, जाएगा अपनी माँ से मिलने? हाँ गोपी जाऊंगा तो मैं जरूर, जरा मैं भी तो देखूं उस माँ को जिसे 14 साल के बाद अपने बेटे की याद आई है। मेरा भी यही मशवरा है यश, उस माँ को जाके जरूर मिलना जिसने अपने 8 साल के मासूम बच्चे को अपने आप से जुदा कर दिया। खैर कल तो क्या कर रहे हैं?
मैं कल सुबह ही बंबई के लिए रवाना हो जाऊंगा। और एंजल? एंजल और जोधा सर मेरे साथ जाएंगे। सर ने फैसला किया है कि रिटायरमेंट के बाद वो बंबई शिफ्ट होंगे। हाँ, तू क्या कर रहा है? तू कब निकलेगा यहाँ से? मैं कल शाम को। तो फिर ठीक है, मैं और एंजल तुझे तेरे रेस्टोरेंट में मिलेंगे परसों। ओके ओके, चल पैकिंग कर ले। चल। जल्दी करो जल्दी। लगता है कल्पना आज किसी खास मेहमान का इंतजार है, इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर खुशी के साथ साथ बेचैनी भी नजर आ रही है। डैडी आपने बिल्कुल ठीक कहा। जानते हैं आज कौन आ रहा है? कौन? यश। यश? अरे यहाँ तो चारों ओर यश ही यश मौजूद है, फिर तुम्हें किस यश का इंतजार है? डैडी मैं अपने यश की बात कर रही हूँ, अपने यश की। ओ आई सी, तो तुम उस फक्कड़ के खून का इंतजार कर रही हो। डैडी मैं विक्रम के खून का नहीं, अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। चलो यही सही, लेकिन एक बात जरूर है, दो कौड़ी का आदमी देखते ही देखते हमारे मुकाबले पर आकर खड़ा हो गया है। हाँ डैडी, आप ठीक कह रहे हैं। विक्रम ने पिछले 6 सालों में म्यूजिक कंपनी की दुनिया में तहलका मचा दिया है। इसे तहलका नहीं, हवा का झोंका कहो, झोंका। वो जैसे ही आता है वैसे ही गायब हो जाता है। कौन हो तुम और बिना इजाजत के अंदर कैसे आए? जिस इंसान की कामयाबी से आप लोगों को इतना डर लग रहा है, मैं उसी विक्रम राय का बेटा हूँ, यश। हो तुम? अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा। तुम्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि तुम वही कल के नन्हे यश हो। जिस कल की आप बात कर रही हैं, वो बात 14 साल पुरानी हो चुकी है। हाँ, मैं जानती हूँ। Why don't you come in? तुम्हें यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, डैडी ने गाड़ी भेज दी थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरी कभी याद आई या नहीं? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो? चलो फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाएंगे। मैंने आज खास तुम्हारे लिए बादाम की खीर बनाई है। थैंक यू वेरी मच। अरे ऐसे क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? माँ का अर्थ जानती हैं आप? माँ उस महान हस्ती का नाम है जो 9 महीने तक अपनी औलाद को अपने गर्भ में पालती है, उसे जन्म देती है, उसकी परवरिश करती है। अगर उसकी औलाद को सुई की नोक के बराबर भी तकलीफ होती है ना, तो माँ का कलेजा ममता से फट जाता है। अरे कैसी माँ है आप, जिसने अपने 8 साल के मासूम बच्चे को छोड़कर दौलत से ब्याह रचा लिया। देखो यश, मैंने तुम्हें यहाँ जलीकटी बातें सुनने के लिए नहीं बुलाया है। क्या करूं, 14 साल आपसे दूर रहकर कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गया। कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं 14 दिन में ही तुम्हारे दामन में इतनी खुशियां भर दूंगी जो 14 साल में तुम्हारे बाप ने तुम्हें ना दी हो। ओ, वो कैसे? बस तुम्हें अपने बाप का घर छोड़कर मेरे पास आकर रहना होगा। अगर यही बात मैं आपसे कहूँ कि आप अपने बाप का घर छोड़कर मेरे पास मेरे डैडी के यहाँ रहे तो? इम्पॉसिबल, मैं वहां 1 दिन तो क्या 1 सेकंड भी नहीं रह सकती। तो फिर आप भी अपने दिल से एक ख्याल निकाल दीजिए कि मैं आपके पास यहाँ आकर रहूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रहे हो कि सारा कसूर मेरा ही था? गलती ना डैडी की थी ना आपकी, कसूर तो मेरा था जो मैंने आपकी कोख से जन्म लिया। मैं सब जानती हूँ, तुम्हारी रगों में बगावत का जहर मेरे खिलाफ किसने भरा है। आप तो अपने आप को भी नहीं जानती, तो फिर मुझे क्या जानेंगी? यश, मिसेस दौलतमंद, मुझे अपना अतीत आज भी याद है, मैं उसे भूला नहीं हूँ। भगवान ना करे जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ हुआ। अब आज्ञा दीजिए मुझे, मेरी दादी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। यश,
दादी। यश, अरे शंकर, शंभू। आया माँ जी। तुम लोगों ने यश की आवाज सुनी? सुनी तो थी लेकिन। अरे शंभू, हम सबका बहम था, यश बाबा की आवाज नहीं थी। अच्छा अच्छा, तुम लोग जल्दी से तैयारी करो, वो आता ही होगा। चल चलो। दादी। कैसी हो दादी? आ गया मेरा लाल, आ गया यश मेरे बच्चे। दादी। हाँ। डैडी नजर नहीं आ रहे? वो बिजनेस टूर पर लंदन गए हैं। ओ, ओ, कब तक आ जाएंगे वो? आ जाएंगे आजकल में। अच्छा तू ये बता कि तू हॉस्टल में मुझे याद करता था या नहीं? दादी सच मानिए, जितने दिन आपसे दूर रहा ना उतने ही दिन याद आया आपकी मुझको। झूठा कहीं का? दादी सच मानिए, अगर मेरा यकीन नहीं आता तो एंजल से पूछ लो। एंजल? ये एंजल कौन है? हा? वो हमारे जोसेफ सर है ना, उनकी बेटी है एंजल। अच्छा तो ये अपनी एंजल को कल शाम को यहाँ खाने पे ले आना। ओके।
मतलब प्यार। रातें जगाए जो नींदे चुराए जो मतलब वाह गोपी, तुम्हारे रेस्टोरेंट का जवाब नहीं। इतनी बड़ी जगह, बाहर भी है अंदर भी, अब तो हम यार रोज मिला करेंगे। क्या समझे नहीं समझे? अरे यार यश, तूने अभी तक बताया नहीं तू अपनी मम्मी से मिलने गया था, क्या हुआ वहाँ? I mean everything normal? नहीं यार गोपी, कुछ भी normal नहीं था। ऐसा लगता है उनका मजहब और ईमान सब कुछ दौलत है। उस घर में वफा और जज्बात नाम की कोई चीज ही नहीं। चल ठीक है यार, लेकिन तेरी मम्मी तुझसे मिली तो ठीक ठाक ना? हाँ मिली तो ठीक ठाक, मेरे आने का बहुत इंतजार था उन्हें। जानते हो गोपी, खाने पर उन्होंने मेरे लिए तरह तरह की डिशेस भी तैयार की थी। अच्छा, ये तो मैं ही उनकी उम्मीदों पर पानी फिर के चला आया। वो क्यों? कहती थी कि तुम्हें अपने बाप का घर छोड़कर मेरे पास रहना होगा। वो आज भी मेरे डैडी से नफरत करती है एंजल। क्यों, ऐसा क्यों? जहां तक मैं समझ पाया हूँ गोपी, मेरे नाना मिस्टर कैलाश नाथ सहाय बहुत ही खतरनाक इंसान है और मेरी मम्मी उन्हीं के बताए हुए इशारों पर नाचती है। लगता है इसके नाना को मिर्ची का 1-2-4 दिखाना ही पड़ेगा। हाँ? कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे यश, अपने नाना और कैलाशनाथ साहब का फोन नंबर तो दे। क्यों? पहले फोन नंबर तो दे, बाद में बताऊंगा। 626-1010 626-1010 ओके। अरे हाँ, मैं तो बताना भूल ही गया, दादी ने आज तुम दोनों को डिनर पे इनवाइट किया है। हम दोनों को या सिर्फ एंजल को? अरे नहीं यार, तुझे भी बुलाया। लेकिन सॉरी यार, मैं आज नहीं आ सकता। क्यों? एंजल आज होटल में बहुत बड़ी पार्टी का ऑर्डर मिला है, वो छोड़कर मैं नहीं आ सकता। प्लीज यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। और एंजल तुम सर को लाना मत भूलना। ओके? ओशो। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। बाय। पीटर। यस सर। फोन लाना जरा। जी सर। मिस्टर कैलाश नाथ सहाय, अब मेरी मिर्ची तुझे चैन से बेचैन कर देगी, देखना। हेलो। हाँ जी, कहाँ से? कहाँ से मतलब? मतलब आप कहाँ से बोल रहे हैं? एमी सर, फोन आपने किया है, मैंने नहीं। ओ सॉरी सॉरी, माफ कीजिए, मैं तो भूल ही गया। चलिए ये बताइए, ये मिर्ची वाले की दुकान ही है ना? ये मिर्ची की दुकान? हाँ भाई हाँ, मिर्ची वाले की दुकान। क्या? एक्चुअली क्या है ना, मुझे आज का मिर्ची का भाव जानना है। मिसेस सुनो, ये कोई बनिए की दुकान नहीं है, समझे? रॉन्ग नंबर है, इडियट। रॉन्ग नंबर? अरे अभी अभी तो ये शुरुआत है बुड्ढे, आगे आगे देख मैं क्या करता हूँ। तेरा पूरा घर मिर्ची से ना भर दिया तो मेरा नाम भी गोपी नहीं। हेलो। यस yes? ये बुड्ढे मिर्ची वाले की दुकान ही है ना? ये किसी बुड्ढे मिर्ची वाले की दुकान नहीं, मेरा घर है। चलिए घर ही सही, लेकिन है तो मिर्ची वाले का ही ना? What? What, short, not, what, nothing doing. आप सिर्फ मुझे मिर्ची का भाव बताइए। Shut up! ये किसी बनिए की दुकान नहीं है, ये कैलाशनाथ सहाय का घर है, समझे? Bastard! आज के लिए बुड्ढे, इतना ही काफी है तेरे लिए। हाँ दादी, यही है मेरे वो सर जिन्होंने कभी मुझे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। 14 साल सुख दुख में इन्होंने मेरा साथ दिया, मैं इनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। माँ जी ऐसी कोई बात नहीं, ये तो यश की मोहब्बत है जो मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, जबकि सच तो ये है कि पिता की जगह सिर्फ पिता ही ले सकता है, कोई दूसरा इंसान नहीं ले सकता। जोसेफ साहब, तारीफ उसी इंसान की होती है जो तारीफ के काबिल होता है। हेलो एवरीबॉडी। विक्रम आ गया बेटा, कैसी हो? अरे यश, अरे अरे ये क्या कर रहा है? ये सब बातें पुरानी हो गई हैं, अब तो हाथ मिला करो हाथ। और सुनाओ यहाँ कब पहुंचे? कल सुबह ही। वेरी गुड, जस्ट अ मोमेंट। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, क्या कहा?
लेकिन मैंने आपको मना किया था। खैर आइंदा ध्यान रखिएगा, बाय। अब सुनाओ बेटा। डैडी ये मेरी फ्रेंड एंजल। हेलो। ये हमारे म्यूजिक सर मिस्टर जोसेफ। आई एम जोसेफ। आई एम एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ हाँ मिस्टर नायर कैसे हैं आप? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी लंदन से पहुंचा हूँ। हाँ नहीं आप फिक्र मत कीजिए, आपका माल टाइम से पहुंच जाएगा, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओके बाय। हाँ बेटे यश तुम कुछ कह रहे थे? हाँ ये है मेरे म्यूजिक सर मिस्टर जोसेफ। हेलो नाइस मीटिंग यू। आई वाज रियली कीन टू मीट यू। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो ओ मिस्टर वॉन्ग हाउ आर यू? व्हाट व्हाट हैपेंड? वन सेक प्लीज। सॉरी हम लोग फिर कभी बैठ के बातें करेंगे। बेटे यश एंजॉय योरसेल्फ प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ मिस्टर वॉन्ग या माँ जी हम चलते हैं। हाँ, लेकिन ये खाना तो। हाँ फिर कभी आएंगे माँ जी, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू फॉर अ वेरी नाइस डिनर। माफ करना। नहीं नहीं कोई बात नहीं। आना जरूर बेटी है। थैंक यू वेरी मच, लवली लवली इवनिंग। आना हाँ भूलना नहीं। हाँ जी बज गए। चल बुड्ढे उठ जा उठ जा, आज मैं तुझे सोने नहीं दूंगा। हेलो हेलो बुड्ढा मिर्ची वाला घर पर है? हाँ बोल रहा हूँ। लगता है बुड्ढा बहुत गहरी नींद में है। क्या चल बता आज का मिर्ची का भाव क्या? अभी अभी तो पागल हो गया क्या? अभी उल्लू के पट्टे रात के 2 बजे मिर्ची का भाव पूछ रहा है। अरे माय डियर बुड्ढे, मिर्ची का भाव जानने के लिए टाइम नहीं देखा जाता, मूड देखा जाता है। चल चल बता बता आज का मिर्ची का भाव क्या बता। अरे पागल इंसान, ये कोई मिर्ची की दुकान नहीं, ये कैलाशनाथ साहे का घर है। गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, कहीं अटैक आ गया तो मर जाएगा खामखा। प्लीज शट अप। क्या सोच रहा है बेटा? दादी ना जाने क्यों आज मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे डर? अरे तू तो मेरा बहादुर बेटा है और बहादुरों से तो डर डर के भाग जाता है। वो तो ठीक है दादी, लेकिन मायूसी की बातें नहीं करते बेटा, तुझे तो जिंदगी में बहुत आगे जाना है। नमस्ते माँ जी। आओ बेटी, माफ करना मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जी मेरा नाम माँ, ये आशा है, मेरे ऑफिस में काम करती है। बैठो आशा। हाँ हाँ बैठो बेटी। वो माँ मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो क्या बात है? आप लोग बातें कीजिए मैं चलता हूँ। नहीं यश तुम ही बैठो। माँ वो क्या है कि मैं सोच रहा था कि अब शादी भी। शादी? तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब यश की शादी हो ही जानी चाहिए, मैंने तो लड़की भी देख रखी है। नहीं माँ मैं यश की नहीं अपनी शादी की बात कर रहा था। इसमें हैरानी वाली क्या बात है? मैं हैरान नहीं हूँ परेशान हूँ। खैर अब तूने फैसला कर ही लिया है तो देर किस बात की? वो क्या है कि वो एक अड़चन है। अड़चन? कैसी अड़चन? दरअसल मैं चाहता था कि जब आशा मेरी पत्नी बनकर इस घर में आए तो यश। रुक क्यों गया, आगे बोल। ये आगे क्या बोलेंगे दादी, इनके पास कुछ कहने के लिए अल्फाज ही नहीं है।
हाँ दादी, ये मुझे अपने घर से निकालकर अपनी दिल की दुनिया बसाना चाहते हैं। ये सच नहीं है। What is this, विक्रम? मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आशा, मैं जा रही हूँ। आशा, ये सच नहीं है। आशा, हाँ डैडी, यही सच है। आप मुझे अपने घर से निकालकर अपने दिल की दुनिया ही बताना चाहते हैं। ये सच है कि मैं आशा के साथ शादी करके कुछ दिन सुकून की सांस लेना चाहता हूँ, लेकिन ये सच नहीं है कि मैं तुझे अपने घर से या दिल से निकालना चाहता हूँ। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छी भलाई कर रहा है तू मेरे बच्चे के साथ। पहले तो इस अभागे को 14 वर्ष का बनवास दे दिया और अब सारी जिंदगी का बनवास दे रहा। माँ, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मुझे कुछ नहीं समझ रहा। अगर यश यहाँ से जाएगा तो मैं भी चली जाऊंगी। नहीं दादी, आप यहाँ से नहीं जाएंगी। अगर ये घर छोड़कर कहीं जाएगा तो वो मैं हूँ। यश। हाँ दादी, शायद मेरी जिंदगी में माँ बाप का प्यार ही नहीं लिखा। हाँ तो ठीक कह रहा है बेटी, तो ठीक कह रहा है। देखो बेटे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहा नहीं जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। मैंने जो फैसला किया है वो तुम्हारी आने वाली जिंदगी में रोशनी लेकर आएगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसी रोशनी जिसे देखकर मेरी आंखें चुनिया जाए। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जिसकी बुनियाद सोने और चांदी के सिक्कों पर रखी गई हो। डैडी, ऐसी जिंदगी लेकर क्या करूंगा मैं। मुझे खुशी हुई कि मेरा बेटा इतनी बड़ी बड़ी बातें करना सीख गया है, लेकिन साथ में इस बात का दुख भी है कि तुमने अपने डैडी को समझा ही नहीं। समझने का मौका ही कब दिया है आपने मुझे डैडी। बचपन से लेकर आज तक मैं तन्हाइयों के भंवर में घिरा रहा, लेकिन आपने मुझे कभी उस भंवर से निकालने की कोशिश नहीं की। ये सच है कि दौलत के नशे में मैं तुमसे बहुत दूर निकल गया था, लेकिन ये क्या कम है कि हर वक्त तुम्हारा ख्याल मेरा साया बनकर मेरे साथ रहा। फिर आप मुझे क्यों अपने आप से दूर कर रहे हैं डैडी? अब मैं यहां एक मिनट भी नहीं रह सकता। दादी, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। क्या बकते हो, तुम पागल तो नहीं हो गए? पागल तो मैं पहले था डैडी, अब ठीक हो गया हूं। आज मुझे पता चल गया है कि मुझे अपनी मंजिल खुद तलाश करनी है। क्या कहा यश, तू यहां से जा रहा है? इस घर से जा रहा हूं दादी, आपके दिल से नहीं। नहीं बेटा। प्लीज दादी, आई वॉन्ट टू गो। मंजिलें तलाश करना इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझ रखा है। उसकी फिक्र आप ना करें। फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स आई विल डिसाइड माय ओन फ्यूचर मिस्टर विक्रम राय। जिंदगी में पहली बार तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा। पहली बार महसूस हुआ कि तुम इतने बड़े हो गए हो। माँ, समझाओ इस बेवकूफ को, इसे बाहर की दुनिया की खबर नहीं है, लोग इसे सड़क पे खड़ा करके नीलाम कर देंगे। कौन किसको नीलाम करता है ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, आज मैं आपको इतना जरूर कहकर जाता हूँ कि आज के बाद लोग मुझे आपका बेटा नहीं, आपको मेरा बाप कहकर पुकारेंगे। उसके बावजूद भी बेटे तुम विक्रम राय के ही रहोगे, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूं, जाने से पहले सोच लो, इस दुनिया का सफर तुम अकेले तय नहीं कर पाओगे। एक तेरी रह गुजर ही नहीं, जिंदगी के निशान और भी हैं। तूने छोड़ दिया मेरा दामन तो क्या, आसमां और भी हैं। यश, बाबा देखो कौन आया है। अरे यश बेटे, क्या बात है, ऐसे लगता है तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है। पापा, आज यश ने अपना घर छोड़ दिया। क्या? यस पापा। लेकिन क्यों? क्योंकि अब उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मगर यश, इस तरह तुम। सर, आप प्लीज मुझे उस घर में वापस जाने के लिए मत कहिएगा। मैं आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आया हूँ सर। यश देखो। सर मैं... क्या आप मुझे बता सकते हैं कि निकलते हो सूरज में और डूबते हो सूरज में क्या फर्क होता है? बेटे, निकलता हुआ सूरज अपने साथ कुछ उम्मीदें लेकर आता है और डूबता हुआ सूरज अपने साथ कुछ आशाएं लेकर चला जाता है। तुम्हें कौन से सूरज की तलाश है? मैं बताती हूँ पापा, यश को एक ऐसे सूरज की तलाश है जो कभी न डूबे, 2400 घंटे चमकता रहे। यश, ख्यालों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में चले आओ, तभी पता चलेगा। बेटे, एंजल बिल्कुल ठीक कहती है, कामयाबी उसी को हम सफर बनाती है जो समय के साथ साथ
उसके कंधे से कंधा मिलाकर चले। यश, तुम्हारे गले में एक खजाना है, सुरों का खजाना है, और तुम्हें वो खजाना दुनिया के सामने लाना है। लेकिन सर, बेटा तुम्हें एक ही कमी है, वो है कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की। लेकिन मैं ये कमी पूरी करूंगा। बेटे कल तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें नेचर से, कुदरत से, प्रकृति से बहुत कुछ सिखाऊंगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लोगों के दिलों पर कैसे राज करते हैं। ये मत भूलो बेटा, तुम्हारा नाम कामयाबी है, सक्सेस है, यश है। सुनो बेटा, कोयल की कूक को सुनो। बेटे कहने को तो ये एक परिंदा है, लेकिन इसकी आवाज में कितना सुर है। और ये सुर इसे विरासत में कुदरत ने दिया है। बेटे ये क्यों गाती है? पैसे के लिए, शोहरत के लिए? नहीं, ये इसलिए गाती है क्योंकि इसकी रूह में, इसकी आत्मा में सुरों का खजाना है। बेटा सुरों का खजाना है। She sings for the glory of God। और अगर तुमने गाना है इसी तरह गाना है। रुको, घोड़े की टाप को सुनो। अरे ये तीन ताल है, तू ना कत तर्क दिन नहीं धागे ना दातर, तू ना कत तर्क दिन नहीं धागे। बेटे म्यूजिक इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ये भगवान की देन है। बेटे ये पूजा है, इबादत है, ये प्रार्थना है, और ये तुम्हारा भविष्य है। ये लो बेटा, ये लो, और भूल जाओ जमाने को, बस ये समझ लो कि तुम हो और तुम्हारा संगीत है। अभी तक घर नहीं गई? मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहो, क्या बात है? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वजह? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बाप बेटे के बीच में कोई दरार आए। आशा, क्या तुम भी मुझे यश की तरह गलत समझ रही हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शादी के बाद हम सब साथ मिलकर रहेंगे। हाँ, तुमने कहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी शादी के बाद यश हमारे साथ रहे। तुम क्यों नहीं चाहते, जब मुझे साथ रहने में कोई एतराज नहीं? इसमें कोई शक नहीं कि यश अपनी माँ से नफरत करता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो तुम्हें अपनी माँ समझकर तुमसे प्यार करेगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? मैं यश को इतना प्यार देती कि वो मुझ में अपनी माँ का रूप देखने में मजबूर हो जाता। इस तरह की बातें कहानी किस्सों में अच्छी लगती हैं, हकीकत की दुनिया में नहीं। ये तुम्हारा वहम है। देखो आशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कल जब यश की शादी होगी तो उसकी पत्नी कभी तुम्हें अपनी सास एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी? जब यश मुझे अपनी माँ समझेगा तो उसकी पत्नी भी मुझे अपनी माँ समझेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम आजकल की लड़कियों को नहीं जानती,
वो किसी के घर की बहू बाद में बनती हैं और सास ससुर से अलग रहने के सपने पहले देखने लगती हैं। लेकिन सभी लड़कियां एक जैसी तो नहीं होती। आशा तुम ये भूल रही हो कि तुम्हारा और यश का सौतेला रिश्ता आगे चलकर तुम दोनों के बीच में दरार पैदा कर सकता है। नहीं विक्रम, ये तुम्हारा वहम है। लेकिन देखो विक्रम, माँ जी और यश तो यही सोचेंगे ना कि मैंने तुमसे कहा कि पहले यश को घर से निकालो फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन आशा मैं विक्रम, मैं अगर तुमसे शादी करूंगी तो माँ जी के आशीर्वाद से और यश की मर्जी से, वरना हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। गुड बाय आशा।
माँ विक्रम तुम अभी तक सोई नहीं? तुम भी तो नहीं सोए? मैं तो काम वगैरह में बिजी रहता हूँ, तुम तो सो जाया करो। मेरी आंखों की नींद तो मेरा यश ले गया, अब सो गई तो जिंदगी भर नहीं उठ पाऊंगी। प्लीज माँ ऐसा मत कहो। अगर अपनी माँ का इतना ही ख्याल है तो मेरा यश मुझे ला दे। यश तो आ ही जाएगा माँ, लेकिन मैं इस वक्त आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं कि मैंने शादी ना करने का फैसला किया। हाँ माँ, मैं शादी के बिना जिंदा रह सकता हूँ पर यश के बिना नहीं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बेटे को गुमराह होने से बचाया। हेलो हेलो, क्या बुड्ढा मिर्ची वाला बाथरूम में? वो तो ठीक है, तुझे कैसे मालूम मैं बाथरूम में हूँ? ऐसे ही अंधेरे में तीर छोड़ा माय डियर बुड्ढे। बुड्ढा तू? बुड्ढा तेरा बाप, बुड्ढा तेरा पूरा खानदान। अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी जवान हूँ, जवान नहीं बल्कि छोटा छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ, इसीलिए रोटी को टोटी और पानी को मम्मम कहता हूँ। अरे हाँ, पापा ने पुतवाया है, आज मिलती था बावतिया है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे तू समझता क्यों नहीं, अरे मैं संगीत बेचता हूँ, मिर्ची नहीं। अच्छा तो मेरा आइडिया सही निकला, तू संगीत के बहाने लोगों की आंखों में मिर्ची झोंकता है और दोनों हाथों से थन बटोरता है। लेकिन नो लेकिन वेकिन, और जब तू लोगों की आंखों में मिर्ची झोंकता है तो मिर्ची भी खरीदता होगा, और मिर्ची खरीदता है तो मिर्ची का भाव भी मालूम होगा। अब फौरन बता दे मिर्ची का भाव क्या बुड्ढे। काश तू मुझे एक बार बता दे कि मेरा फोन नंबर तुझे किसने दिया है, मैं तुझे मिर्ची तो क्या गरम मसाले का भी भाव बता दूंगा। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं तुझे उस शरीफ इंसान का नाम बता दूं? ओ गॉड, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? बुड्ढे डार्लिंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे जरा मिर्ची का भाव बता दे। गॉड क्या करूं। यश कहाँ खोए हुए थे? कहीं नहीं। कहीं कैसे नहीं, मुझे सब पता है, तुम अपने डैडी में खोए हुए थे ना? तुम्हें कैसे पता चला? गिटार पर अपने डैडी की धुन जो बजा रहे थे, क्या समझे नहीं समझे? तुम चीज क्या हो यार? Well, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। जब तुम स्टार बन जाओगे तब तुम्हारे नाम की तो चारों तरफ धूम मच जाएगी। हो सकता है। फिर लड़कियां तुम्हारे चारों तरफ घूमकर ऑटोग्राफ प्लीज करेंगी। हाँ लेकिन तुम क्यों जल रही हो? हाँ, जले मेरी जूती। लेकिन मुझे तो जलने की बुआ आ रही है। देखो यश, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ वहाँ, लेकिन किसी भी लड़की को तुम्हारे आसपास देखकर मेरा दिल जल जाएगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आजकल की लड़कियाँ जहाँ तुम जैसे चिकने चेहरों को देखती है ना, वहीं स्लिप हो जाती है। तुम हंस रहे हो? देखो यश, तुम मुझे नहीं जानते। अगर किसी लड़की ने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं उसे कच्चे अमरूद की तरह खा जाऊंगी, क्या समझे नहीं समझे? अच्छा अच्छा बाबा समझ गया, चलो अब मुस्कुरा कर दिखा दो। पहले वादा करो कि तुम किसी लड़की से बात नहीं करोगे। अच्छा बाबा वादा। ऐसे नहीं, मेरे हाथ में हाथ देकर। वादा। यश, I love you. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बेटा देखो कौन आए हैं, ये शराफत अली साहब हैं, म्यूजिक की दुनिया के सबसे बड़े प्रमोटर। आदाब। आदाब आदाब।
बंदे को शराफत अली बिन नजाकत अली कहते हैं। सारा हिंदुस्तान जानता है कि खाकसार मौसीकी का दीवाना है। जोसेफ मियां ने जब तुम्हारी गायकी के पुल बांध दिए तो मैं फौरन समझ गया कि तुम एक होनहार और काबिले तारीफ गायक होगे। इसलिए मैंने फौरन तय कर लिया कि तुम्हारा स्टेज शो करवा के ही दम लूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे गानों की एल्बम बनवा कर सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में तुम्हारी आवाज पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह। क्यों जोसेफ मियां, सही गाना मैंने? जी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। जियो बरखुरदार जियो। और सारा हिंदुस्तान जानता है कि मेरा हर काम आनंद फानन में होता है, यानी कि फटाफट। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि तुम्हारा पहला स्टेज शो अगले हफ्ते होगा। अगले हफ्ते? जी हाँ अगले हफ्ते। वो तो ठीक है शराबत भाई, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में? जियो, हजारों साल जियो मियां। तो बरखुरदार, सारा हिंदुस्तान जानता है कि शराफत अली बिन नजाकत अली अपनी जेब में अलादीन का चिराग लिए फिरता है। जेब में हाथ डाला, चिराग बाहर निकाला, खींचा, जिन हाजिर हुआ और आनंद फानन में काम शुरू, यानी कि फटाफट। क्या हो गया, एक लड़की ने तेरा दिल।
बरखुरदार, वाह, तुमने तो वो कर दिखाया जो लोग सालों साल नहीं कर पाते। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए, तुमने अपने नाम की इज्जत रख ली। अरे जिधर भी सुनो यश 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 के नारे गूंज रहे हैं। ये सब तो आप ही की मेहनत का नतीजा है शराफत अंकल, अगर आप मुझे प्रमोट ना करते तो मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। नहीं बरखुरदार, नहीं, मेरी क्या हस्ती। शराफत भाई, ये भी तो सच है कि आप वो इंसान हैं जिसने बिना सोचे समझे यश पर लाखों रुपए लगा दिए। अरे आपकी जगह कोई दूसरा होता तो इतना बड़ा रिस्क न लेता। जोसेफ मियां, सारा हिंदुस्तान जानता है कि शराफत अली बिन नजाकत अली कलाकारों को परखना जानता है। खैर बरखुरदार, ये लो चाबी अपने नए बंगले की, अब तुम यहाँ नहीं वहां रहोगे। ग्रेट, एक्सीलेंट। शराफत अंकल, मैं बंगले में रहने के लिए स्टार नहीं बना, बंगला तो पहले ही छोड़कर मैं यहाँ आया। मुझे बंगला नहीं बल्कि एक ऐसा घर चाहिए जहां पर प्यार के पेड़ लगे हों, मोहब्बत का दरिया बहता हो, सुकून की ठंडी हवा चले, और ये सब मुझे इस छोटे से घर से मिला है। शराफत अंकल, मुझे इस बंगले की जरूरत नहीं। देखो बेटे, शराफत भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये घर अब तुम्हारे। अगर आप मुझे घर से निकालना ही चाहते हैं तो साफ साफ कह दीजिए, वैसे आप तो मुझे जानते हैं सर, ये सब कुछ मैंने पैसों के लिए नहीं किया, ये पैसा ही तो है जो इंसान को इंसान से दूर करता है। जियो, हजारों साल जियो। वाह बरखुरदार वाह, तुम भी अपने भाई निकले। सारा हिंदुस्तान जानता है कि शराफत अली बिन नजाकत अली ने पैसे को कभी पैसा नहीं समझा, हर जाय समझा, क्योंकि आज ये मेरी जेब में तो कल किसी और की जेब में, यानी कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। खैर मियां, खुदा करे कि तुम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो। अच्छा मैं चलता हूं, और हाँ याद है ना, कल सुबह 10 बजे टीवी वाले तुम्हारा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, तैयार है ना? भाइयों और बहनों, आज आपके सामने मैं एक ऐसे महान कलाकार को लेकर आई हूँ जिसने बहुत थोड़े समय में अपनी उम्र से कहीं ज्यादा यश प्राप्त कर लिया है। कितना अजीब इत्तेफाक है, इस कलाकार का नाम भी यश है। यश, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका नाम यश किसने रखा? ये नाम मेरे हिस्से में आना था सो आ गया। मैं आभारी हूँ सुपर वाले का जिसने मेरे नाम की लाज रखी और मेरी झोली में थोड़ी सी कामयाबी डाल दी। आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? कुछ नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र किए बिना मैं रह नहीं सकता। जैसे? सबसे पहले मेरी दादी, जिनका आशीर्वाद चाय की तरह हमेशा मेरे साथ रहा। उसके बाद मेरे गुरु मिस्टर आर के जोसेफ, जिन्होंने बिना किसी लालच के मुझे संगीत की शिक्षा दी। एंजल, जिसने बचपन से लेकर आज तक मेरे दर्द को अपना दर्द समझा। अंत में अगर शराफत अंकल का नाम नहीं लूंगा तो उनके साथ बहुत नाइंसाफी होगी। ये वही शराफत अंकल हैं जिन्होंने मेरी आवाज को मेरे चाहने वालों तक पहुंचाया। और आपके माता पिता? माता पिता, ये दो नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब आपने पूछ लिया है तो बता देता हूं। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरी मां मर गई। उसके पिता ने उसे चांदी की कब्र में दफना दिया। और रहा मेरे पिता का सवाल, वो इस दुनिया के मेले में कहीं खो गए हैं, मैं उन्हीं की तलाश कर रहा हूं, शायद कभी मुझे मिल जाए। बलराज, तुम भी क्या वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? बिल्कुल ठीक समझा आपने डैडी, यश हमारे काफी काम का साबित हो सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कल्पना, तुम्हारा बेटा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता ही चला जा रहा है, आज उसकी आवाज ने चारों तरफ धूम मचा रखी। अगर हम थोड़ी अकल से काम लें तो उसकी आवाज के सहारे हम अरबों रुपए कमा सकते हैं। इम्पॉसिबल डैडी, अभी आपने देखा नहीं, उसने जीते जी मुझे तो मार ही डाला, आपसे भी नफरत करता है वो। कल्पना, ये जरूरी तो नहीं कि अगर यश तुमसे और डैडी से नफरत करता है तो हमारे साथ कोई बिजनेस डीलिंग नहीं करेगा। वो आज एक कामयाब सिंगर है और जो भी उसे सबसे ज्यादा पैसा ऑफर करेगा वो उसी म्यूजिक कंपनी के लिए गाना गाएगा, और वो म्यूजिक कंपनी हमारी होगी। हम उसके गले की मुंह मांगी कीमत देकर उसकी आवाज खरीद लेंगे। वो बिकने वाला नहीं है। दौलत अपने आगे बड़े से बड़े सुरमा को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है, फिर यश की क्या हस्ती। यश, मैं तुझे लेने आई हूँ। दादी, कभी कभी आप मुझे संकट में डाल देती हैं। अब आप ही बताइए, जिन हालात में मैं घर छोड़कर आया
क्या वो गलत है? गलती किससे नहीं होती बेटा, विक्रम से भी एक गलती हुई थी, लेकिन आज उसे अपनी गलती का एहसास है। लेकिन दादी, आज मैं जिस मोड़ पर खड़ा हूँ वहां से लौट के जाना नामुमकिन है। विक्रम पहले से ही बहुत परेशान है यश, और ऊपर से तेरा गम। दादी, मेरा गम तो समझ में आता है, लेकिन ये परेशानी वाली बात समझ में नहीं आई। अब क्या बताऊं बेटा, विक्रम को पूरे 3 करोड़ का नुकसान हुआ है, और अभी पूना की फैक्ट्री में भी आग लग गई। वो कैसे? क्या जाने कैसे, हर रोज कोई ना कोई नुकसान होता जा रहा है। कभी कंपनी में म्यूजिक की चोरी, कभी हड़ताल, कभी मशीनों में खराबी, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लगता है डैडी के खिलाफ साजिश हो रही है। डैडी, हम अपने मकसद में 50% कामयाब हो चुके हैं, बाकी 50% वो भी जल्द ही कामयाब हो जाएंगे। कल्पना, तुम्हें वो 50% कामयाबी तब तक नहीं मिल सकती जब तक तुम यश को अपने साथ ना मिला लो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? अपनी समझ की आंखें खोलकर जरा गौर से देखो कल्पना, कामयाबी दरवाजे पर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी बात मानो, यश को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे अपनी कंपनी में गाने के लिए मजबूर कर दो। लेकिन डैडी, यही मौका है कल्पना, यश अपने बाप से नाराज है, इस मौके का फायदा उठाओ, उसे बुलाओ और उसे बात करो। क्या बताऊं एंजल तुम्हें, लंदन में मैंने तुम दोनों को कितना मिस किया है। सच? सीरियसली? अच्छा ये बताओ, क्या लंदन में भी यश के गानों की धूम मची है? धूम? अरे ऐसी वैसी नहीं, कमाल की। ओह, अरे हमारा यार वहाँ लंदन में भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। हाय रे मेरी किस्मत, काश मैं उस वक्त यहाँ होता जब हमारा यार सुपरस्टार बन गया था। अरे लो वो आ गया स्टार। कैसा है तू? बैठ 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 के बातें करते। बैठ बैठ बैठ। हाय हाय। कितना स्मार्ट है ना? जी चाहता है यश को देखकर 5 जान दे दूं। जान देने से क्या फायदा? मेरा बस चले तो जालिम को लेकर कहीं भाग जाऊं। चल चल के बात करते हैं। मॉडल बस चल रहा था, अब तू आ गया ना, अब तो दौड़ने लगेगा मेरा यार, दौड़ने लगेगा। एक्सक्यूज मी प्लीज। यस। मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। श्योर, व्हाई नॉट। एंड व्हाट्स योर ब्यूटीफुल नेम? रक्षा। He's so sweet. Love. Taksha. Will you have coffee with us? Oh, sure, why not? excuse me, please. हाँ भैया, आप तो अब स्टार हो गए ना, जाइए प्लीज। मेगा एंजल हीरो बन गया मेरा यार, ये। एक बार मेरी कॉफी को टच कर दीजिए। खाली टच करूं? प्लीज एक सिप लीजिए ना। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। कैन आई किस यू? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। फोन नंबर? नहीं नहीं, मेरी मम्मी मुझे मारेगी। ओके गर्ल्स, सी यू, बाय। हाय। हेलो। अरे आओ मेरे किशन कन्हैया, मिलिए गोपी से और अपनी राधा को। गोपी, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है, तुझे नहीं आ रही? जली मेरी जूती। गोपी, थैंक्स फॉर द इवनिंग, मैं जा रही हूँ, बाय। अरे अरे अरे, तुम कहाँ जली? जहन्नुम में, बाय। अरे अरे, तुम कहाँ चले? जहन्नुम? अरे देखता नहीं मैडम का मूड खराब है, मैं उसे समुद्र की हवा खिला के आता हूँ, बाय। अरे उठ के।
एंजल। एंजल एंजल बाजू वाली लड़की हाय 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 हे सुबह सुबह जब खिड़की खोले बाजू वाली लड़की हाय दिल मेरा बोले हेलो हाउ आर यू दिल मेरा बोले हेलो हाउ आर यू
है सारा जीवन उसको दे दो। कभी मैं बोलूं तो बोला न जाए, सांस भरू तो थम थम जाए, दिल मेरा बोले हेलो हाउ आर यू। बोले हेलो हाउ आर यू। वही जो तूने सुना, बुड्ढे को फोन दे। किसका फोन है शंकर? लगता है साहब शायद आपका है। हेलो, कैलाश नाथ हियर। माफ करना बुड्ढे, खाना खाते वक्त परेशान किया। तुझे कैसे पता चला मैं खाना खा रहा हूँ? वो क्या है, मेरे पास एक जादू का गोला है, मैं यहाँ बैठे बैठे उस पर सब कुछ देख सकता हूँ। शटअप का भाव नहीं, ये बताओ आज का मिर्ची का क्या भाव है? भाड़ में गया तू और तेरी मिर्ची। अरे मिर्ची भाड़ में नहीं, खाने के साथ सिर्फ पेट में जाती है। चल चल चल, अब देर न कर, फटाफट ये बता आज का मिर्ची का भाव क्या है? अबे मेरे पिताश्री, तेरी सुई बुड्ढे से लेकर मिर्ची पर आकर क्यों अटक जाती है? क्योंकि बुड्ढा और मिर्ची मेरी फेवरेट डिश है। फेवरेट डिश के बच्चे, जिस दिन तू मुझसे टकरा गया ना, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, आखिरी। लगता है बुड्ढे आज तेरे खाने में कुछ ज्यादा ही मिर्ची डल गई है, इसलिए तुझे अपनी जिंदगी का आखिरी दिन याद आ रहा है। बुड्ढे एक काम कर, अपने हाथ में जो मिर्ची है ना खा ले। शंकर तू मिर्ची खरीदे ज्यादा ने बाजार में, एक बार पूछ ले भैया ये मिर्ची का भाव क्या है। मैंने आपसे मना किया था ना? मुझे मालूम है कि तुमने मुझे मना किया था कि तुमसे मिलने की कोशिश ना करूं, मगर क्या करूं, आखिरकार तुम्हारी माँ हूं ना, इसलिए मुझसे। कल्पना जी, आप झूठ बोलकर मुझे ही नहीं अपने आप को भी धोखा दे रही हैं। नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ, आई लव यू अ लॉट। यकीन करो, जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया है तो मुझे बहुत दुख हुआ। For your kind information, डैडी ने मुझे घर से नहीं निकाला, मैंने खुद उनका घर छोड़ा। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने उस आदमी का घर छोड़ दिया बेटा। अब मुझे ही देखो, अगर उस आदमी का घर ना छोड़ती तो अब तक तो घुट घुट के मर चुकी होती। उसने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं। बस बहुत नाटक हो चुका, नाउ कम टू द पॉइंट। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ बिजनेस करूँ। लेकिन मैं आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों? मेरी मर्जी। बेटा बिजनेस में मर्जी नहीं, सिर्फ फायदा देखा जाता है, फायदा। यश, ये मिस्टर गौतम कुमार है। हेलो। हेलो। ये समझ लो कि ये मेरे राइट हैंड है, जितना मैं अपने आप पे भरोसा करता हूँ उतना ही इन पे भी। तो यही है वो आस्तीन का सांप जिसका मेरे डैडी को बर्बाद करने में हाथ है। आप ठीक कहती हैं, बिजनेस में सिर्फ फायदा देखना चाहिए। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। बोल, कितने में बिका तू?
क्या कीमत लगवाई है तूने अपनी? अरे कमबख्त, अगर तुझे बिकने का इतना ही शौक था तो मुझे बताया होता, मैं तुझे सोने के सिक्कों में तुलवा देता, मगर उस वादा करता। बहुत खुश था मैं तेरी कामयाबी से, उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की थी कि तुमने शराफत अली जैसे इंसान का दामन थामा था। मगर यह अचानक तुझे क्या सोची कि तूने मेरे ही दुश्मनों के आगे माथा टेक दिया, उन दुश्मनों के आगे जो मेरी तबाही के लिए जिम्मेदार है? वाह बेटा वाह, शाबाश, बहुत अच्छा सिला दिया है तूने मुझे मेरे प्यार और मेरी परवरिश का। विक्रम साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, यश आपके खिलाफ नहीं जा सकता। जोसेफ साहब, आप जानते हैं ये क्या है? ये वो एग्रीमेंट है जो इसने कैलाश और कल्पना के साथ किया है, और उन दोनों बाप बेटी ने ये एग्रीमेंट मुझे तोहफे के तौर पे भेजा है। देखिए इसे आप। ये एग्रीमेंट जाली भी हो सकता है। एग्रीमेंट जाली हो सकता है, लेकिन इस पर किए गए सिग्नेचर जाली नहीं हो सकते। देखिए विक्रम साहब, मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि कभी कभी इंसान जो देखता है वो सच नहीं होता, वो आंखों का धोखा होता है। आंखों का धोखा? इस तरह की बातों से आप इसे बहला सकते हैं? मुझे नहीं। मिस्टर जोसेफ, आज मेरे अपने ही खून ने मेरे खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। वाह बेटा वाह, बहुत सुकून पहुंचाया है तुमने मेरे दिल को। अगर अब पीछे मत हटना, अगर अभी भी कोई कसर बाकी रह गई हो तो उसे भी पूरी कर लेना। यश, ये सब क्या है? यश सर, मेरे डैडी के खिलाफ साजिश का जाल फैलाया जा रहा है और मैं उसे काटने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कुछ समझा नहीं। कैलाश नाथ और कल्पना मेरे डैडी को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। 3 करोड़? जी हाँ, 3 करोड़। लेकिन बेटा ये रकम तो बहुत ज्यादा है। मैं जानता हूँ कि ये रकम बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको इन 3 करोड़ के 10 करोड़ बना दूंगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो तुम कह रहे हो वो सही है? आप लोग शायद ये भूल रहे हैं कि हमारा एक अग्रीमेंट हुआ था। उस अग्रीमेंट के मुताबिक कंपनी का हर बड़ा और अहम डिसीजन मैं लूंगा। हाँ हमें याद है, लेकिन फिर भी हम लोग ये जानना चाहेंगे कि तुम्हारी ये करोड़ों रुपए कमाने वाली स्कीम है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक्चुअली मैं मिस्टर कुलदीप सिंह के साथ अमेरिका, यूरोप और साउथ अफ्रीका में टूर करने का प्लान कर रहा हूँ। इससे हमें करोड़ों का फायदा होगा, और ये फायदा हमें हिंदुस्तानी रुपयों में नहीं, फॉरेन करेंसी में होगा। वो तो ठीक है, लेकिन सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आपको बाद में पछताना पड़े। मेरे ख्याल से यश सही कह रहा है, हमें इसे 3 करोड़ रुपए दे देने चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्यों बलराज, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ आइडिया तो बुरा नहीं है। ठीक है यश, तुम्हें कल 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। थैंक यू। ये लो कुलदीप, ये रहे 10 लाख रुपए, अगर तुम चाहो तो गिन लो। क्या बात कर रहे हैं जोसेफ साहब, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब आप ये बताइए कि मुझे करना क्या है। फिलहाल तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये रुपए लेकर साउथ अफ्रीका के किसी जंगल में जाकर खो जाओ। गेट लॉस्ट, डिसअपीयर, समझे कि नहीं? बीच में अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। यश, ये हमारी पहली चाल है। प्लीज कम, आइए आइए, बैठिए बैठिए, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन, बैठे ना। सर, ये चारों हिंदुस्तान के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। गौतम, तुमने इन्हें सारी बात समझा दी है ना? यस सर। माफ कीजिए यस साहब, हम लोगों की समझ में अभी तक ये बात नहीं आई, आप अपने ही गाए हुए गीतों के डुप्लीकेट कैसेट निकलवाना क्यों चाहते हैं? आप लोग आम खाइए जनाब, गुठली गिनने से आपको क्या मतलब? आप जरा सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर यश के गानों की पायरेसी कर ले और आप लोग
हाथ मलते रह जाएं। नहीं नहीं जोसेफ साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है हम आपकी बात कैसे डाल सकते हैं। आप हमें हुक्म दीजिए कि हमें करना क्या है। एक्सेलेंट, वेरी गुड सर। दिखने में तो एक छोटा सा डिब्बा है, मगर इस छोटे से डिब्बे में करोड़ों रुपए दबे हैं। ये वो 12 सुपरहिट गाने हैं जो मैंने के सीरीज के लिए रिकॉर्ड किए हैं। ये गाने अब तक मार्केट में रिलीज नहीं हुए हैं। लेकिन हमें करना क्या होगा? आपको इस कैसेट को मार्केट में रिलीज करके जितना हो सके उतना धन बटोरना होगा। इससे आपको क्या फायदा होगा सर? मन की शांति। एनीवे, इन गीतों की बिक्री से जो मुनाफा होगा उसका 60% मैं रखूंगा, बाकी 40% आप लोग आपस में बांट लीजिएगा। वेल जेंटलमैन, क्या ख्याल है आप लोगों का? हमें मंजूर है। कल्पना, हमें पता लगना चाहिए कि आखिरकार वो कौन आदमी है जिसने हमारी आंखों से सुरमा निकालकर फूल झोंकने की कोशिश की है। दादी, जो होना था वो तो हो गया है, अभी आगे का सोचिए। हमारा सारा स्टॉक धरा का धरा रह गया और डुप्लीकेट केसेस मार्केट में खुलेआम बिक रही हैं। यश, तुम्हारी नजर में वो कौन हो सकता है? मेरा शक 6 आदमियों पर जाता है। नंबर 1, मैं। नंबर 2, आप। मैं। नंबर 3, नाना जी आप। मैं। नंबर 4, मिस्टर बलराज। 5, मिस्टर वर्मा, गौतम वर्मा। और नंबर 6। हाँ हाँ, आगे बोलो। विक्रम राय। ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये काम विक्रम ने किया है? बिजनेस में सब कुछ जायज होता है। दौलत ऐसी चीज है जो बड़े बड़ों के ईमान को डामाडोल कर देती है। हमारा कोई खास आदमी विक्रम राय से मिलकर उसका फायदा और हमारा नुकसान करा रहा है। यश, अगर ये काम तुम्हारे बाप ने किया है तो इतना याद रखना, वो मेरे जहरीले तीर से बच नहीं पाएगा। हेलो मिस्टर यश। ओह हेलो मिस्टर मेहरा। हेलो, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये है मेरे गुरु मिस्टर आर के जोसेफ। आई एम दिनेश मेहरा, ग्लैड टू मीट यू। थैंक यू। अब आप बताइए मुझे क्या करना होगा। बस सिर्फ इतना, कैलाशनाथ और कल्पना ने पायरेसी करके जो कालाधन इकट्ठा किया है वो कहाँ है? और कुछ होगी? हाँ, आपसे एक और जरूरी बात करनी है। आपको याद होगा कि मेरे और के सीरीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जो आपने बनाया था। जी हाँ, याद ही नहीं बल्कि उस एग्रीमेंट की एक कॉपी भी मेरे पास है। वेरी गुड। अब मैं चाहता हूँ कि इस एग्रीमेंट की कानूनी भाषा में कुछ ऐसी हेरा फेरी की जाए जिससे। समझ गया, सब समझ गया। वैसे भी इस एग्रीमेंट को बनाते वक्त मैंने मिस्टर यश के कहने के मुताबिक इस बात का खास तौर से ख्याल रखा था। वाह, मिस्टर मेहरा बहुत ही काबिल और होशियार वकील हैं। इसीलिए तो आज वो इतने कामयाब हैं। थैंक यू वेरी मच। मेहरा साहब, हमारा काम कब तक हो जाएगा? ये समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। आई एम CBI ऑफिसर। आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहिए। मिस्टर सावन, यस सर। सब जगह देख करके चेक करके सील लगा दो। ओके सर। चलो चलो तुम। अरे चलो। बोल बोल, वो कौन है जिसके इशारे पर तूने हमें तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है? बोल। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। सच सच बता, कौन है वो? अगर आज तूने सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुझे अपाहिज बनाकर सड़कों पर भीख मांगने के लिए फेंक दूंगा। बोल। ये ऐसे नहीं बताएगा सर। जॉन, बताता हूँ सर, ये सब आपके साथ यश ने किया है सर। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर, पहले उसने आप लोगों का यकीन हासिल किया और उसके बाद अपने बाप का आप लोगों से इंतकाम लिया सर। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। नो, ले जाओ इसे। शांत हो जाइए सर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। आज विक्रम और यश ने मेरे खिलाफ जंग का ऐलान किया है, उन्हें ये जंग बहुत महंगी पड़ेगी। शमशेर। यस सर। बलराज स्विट्जरलैंड से कब लौट रहा है? कुछ कहा नहीं जा सकता सर,
स्विट्जरलैंड का मौसम बहुत खराब है, आने वाली सब फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। कल्पना कहाँ है? वो यश को मिलने गई है। एक काम करो, विक्रम को उठाकर हमारी पुरानी फैक्ट्री पहुंचो। और यश? यश खुद ब खुद अपने बाप की मोहब्बत में चलकर हमारे पास आ जाएगा, और फिर मैं उन दोनों बाप बेटे को तड़प तड़प कर मरता हुआ देखूंगा। वो तो ठीक है सर, लेकिन कल्पना जी ऐसा करने देंगे? अगर माँ की ममता हमारे रास्ते की रुकावट बने तो उसे भी हटा देना। हेलो हेलो बुड्ढे, हाउ आर यू? फाइन। अरे वाह, लगता है आज बुड्ढा अच्छे मूड में। चल इसी बात पे ये बता, आज मिर्ची का क्या भाव है? मिर्ची का भाव? हाँ मिर्ची का भाव। तुम एक मिनट होल्ड करो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। क्यों नहीं क्यों नहीं, अरे मिर्ची का भाव जानने के लिए एक मिनट तो क्या, एक घंटा होल्ड करने को तैयार हूँ। हेलो अशिंज, मैं कैलाशनाथ सहाय बोल रहा हूँ, 626-1010 से। ये वही आदमी है जो मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। हाँ ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू। हेलो, हाँ बेटे ऐसा करो कि तुम आधे घंटे के बाद मुझे फोन करो, तब तक मुझे मिर्ची का भाव भी पता चल जाएगा और मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, लेकिन तुम कहीं जाना नहीं, घर पर ही रहना। नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ बैठा तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। ठीक है बुड्ढे, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया, ओके बाय। एक कमाल है, आज हमारा बुड्ढा बहुत शांत है। शमशेर। यस सर। 5 मिनट के अंदर अंदर एक्सचेंज से तुम्हें फोन आएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि आज तक मुझसे मिर्ची का भाव पूछने वाला कौन था। किसी भी हालत में उस आदमी को हमारी पुरानी फैक्ट्री में ले आओ। ओके सर। ताकि आज के बाद ये मिर्ची का चक्कर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बेटे आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, जो तुमने अपने डैडी के लिए किया वो सिर्फ एक नेक औलाद अपने बाप के लिए कर सकती है। सर ये तो मेरा फर्ज था। जियो जियो, हजारों साल जियो बरखुरदार। सारा हिंदुस्तान जानता है कि शराफत अली बिन नजाकत अली जब भी कोई खुशी की बात सुनता है तो उसका दिल बाग बाग यानी कि गार्डन गार्डन हो जाता है। गार्डन, बेटे गार्डन। तुम्हारी ये सादगी देखकर अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब तो मुझे इस राज से पर्दा हटा ही देना चाहिए। राज कैसा रहा शराफत अंकल? बेटे तुम नहीं जानते, जिस कामयाबी की इमारत पर आज तुम खड़े हो उसकी बुनियाद मैंने नहीं बल्कि विक्रम भाई ने रखी है। क्या? हाँ बेटे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझसे ये बात आज तक छुपा कर क्यों रखी? बेटे क्योंकि तुम्हारे डैडी ने हमें मना किया था, वो जानते थे कि उनका बेटा बड़ा खुददार है, वो कभी अपने बाप का एहसान नहीं लेगा। ओह माय गॉड, डैडी ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उन्हें आज तक गलत समझता रहा। कोई बात नहीं यश, ऐसा कभी कभी होता है, क्या समझे नहीं समझे? शराफत अंकल इस वक्त डैडी कहाँ मिलेंगे? यश अपने डैडी को बचा लो। क्या हुआ क्या हुआ डैडी को? मेरे डैडी के सर पर खून सवार है, उन्होंने विक्रम को किडनैप कर लिया है। क्या क्या? हाँ बेटा पता नहीं उनको क्या हो गया है, वो पागल हो गए हैं, वो तुम्हें भी मार डालने चाहते हैं। कहीं इसमें भी आपकी कोई चाल तो नहीं? नहीं बेटा मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। मिस्टर जोसेफ आप ही समझाइए इसे। बेटे मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सच कह रही है, मैं इनकी आंखों में सच पढ़ रहा हूँ बेटे। हाँ बरखुदार भाभी सच कह रही है, हमें इनकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। अगर आप सच कह रही हैं तो मैं समझूंगा कि ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली, अगर आपने झूठ कहा तो। यश वक्त बर्बाद मत करो, तुम्हें मुझे जो सजा देनी है वो बाद में दे देना, इस वक्त विक्रम को बचा लो प्लीज। बेटे शी इज एब्सोल्युटली राइट, वक्त जाया मत करो, चलो जल्दी चलो। कहाँ लेकर गए हैं डैडी को? हंसले कैलाशनाथ हंसले, भगवान
ने चाहा तो तेरी यही हंसी तेरी मौत का कारण बनेगी। कौन सा भगवान, कैसा भगवान? मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं सिर्फ अपने आप को मानता हूँ। कैलाश नाथ डुबाओ। बोल, कागजात साइन करता है कि नहीं? हरगिज नहीं। बोल, साइन करता है कि नहीं? नहीं। डालो पानी में। बोल, साइन करता है कि नहीं? नहीं। सर, यही है वो आदमी जो रोज आपसे मिर्ची का भाव पूछता था। मिर्ची का भाव? गुड मॉर्निंग अंकल, आई मीन गुड इवनिंग, आई मीन गुड नाइट अंकल। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड इवनिंग। अब हम सिर्फ मिर्ची के भाव की बात करेंगे। नहीं शमशेर, सर इसे मिर्ची का भाव बता दो। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे अंकल जी, मैं तो मजाक कर रहा था। आप मजाक का मतलब समझते हैं ना? मजाक मींस मजाक। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, मिर्ची का भाव जानना चाहते थे। नहीं शमशेर, ये सब काम शुरू करो। नहीं 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 पता चला मिर्ची का भाव? ये है हरी मिर्ची का भाव। अब इसे लाल मिर्ची का भाव बता दो। Yes, sir. What?
पूछ ले। आप मुझे क्यों मानना चाहते हैं? ऐसे ही है। मेरा नाम शराफत अली बिन नजाकत अली है। अच्छा। और मैं सिर्फ नाम से ही नहीं, सर से पांव तक शरीफ आदमी। और आपको मालूम है एक शरीफ आदमी को मारने का क्या अंजाम होता है? क्या होता है? ये होता है, इसे कहते हैं शरीफ आदमी को परेशान करने का नतीजा। क्या समझे? नहीं समझे? नहीं। क्या खाओगे? ये मुगल मुगल मुगल। खेल का मजा, एक तरफ बाप और दूसरी तरफ बेटा। मरने से पहले ये बाप और बेटे अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर जाएंगे। कुत्ते! पहले बेटे से निपटा जाए ताकि बाप अपने बेटे की मौत का तमाशा अपनी आंखों से देख सके। कैलाशनाथ हरामजादे कुत्ते, चीखो मत, यहां चीखना मना है। मुझे बर्बाद करने वाले सांप के सपोले, अगर तू अपने बाप की जिंदगी चाहता है तो तुझे पेपर साइन करने होंगे। डोंट साइन दिस पेपर, ये बड़ा खतरनाक आदमी है, इसकी बातों पर भरोसा मत करना। बकवास बंद करो। बकवास नहीं है, हकीकत है। दौलत के लिए तुम अपने नाती को जान से मार डालना चाहते हो। गॉड कभी तुझे माफ नहीं करेगा। यू शट अप। डैडी, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसका इलाज मेरे पास है, लाइए पेपर्स मुझे दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। शमशेर। यस सर। पेपर इसे दो। नीचे मैडम। डोंट मूव। ड्रॉप दैट गन डैडी। कल्पना तुम, आई से ड्रॉप दैट गन। कल्पना, बेटी तुम ये क्या कर रही हो? तुम मेरी बेटी हो। खेल का और ज्यादा मजा आएगा, एक तरफ खुद का बाप और दूसरी तरफ बेटी। लेकिन बेटी, आप क्या समझते हैं कि मैं अपने ही बेटे की जान अपने ही हाथों लूंगी? जबकि भूल गई। अब अगर आप अपनी जिंदगी चाहते हैं तो अपने आदमी से कहिए कि यश और विक्रम को खोल दें। बेटी मेरी बात तो सुनो। आपकी बात सुन कर ही तो मैं आज इस मकाम पर खड़ी हूँ। काश मैंने आपकी बात ना सुनी होती। देखो कल्पना, हरी आप, हरी आप डैडी, खोल दो सबको। मम्मी, दौलत की नहीं है ना?
कल्पना कहो। मजीदे जी, तो एक अच्छी पत्नी बन न सकी, अच्छी अच्छी पत्नी बनकर मैं ना सर जाऊंगी, मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? एक गीत है उसे होठों पे सजा ले, गम हो या खुशी हो प्यार से गुनगुना ले, दिन हो या रात हो दिल की ही बात हो, मुझे क्या हो गया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया, अरे लगे क्यों ना अब मेरा जिया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया, यारो ना जाने मुझे क्या हो गया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया, लगे क्यों ना अब मेरा जिया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया, नींद गई ना मेरा चैन गया, मैं पा 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 पागल हुआ, यारो ना जाने मुझे क्या हो गया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया, अरे लगे क्यों ना अब मेरा जिया, एक लड़की